भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 67 वर्ष की उम्र में एम्स में यहीं पर जब उनको सीने में दर्द की शिकायत महसूस हुई तो उन्हें लेकर के आया गया और फिर डॉक्टरों ने जो खबर दी वो पूरे दिल्ली वासियों के साथ साथ देश के लिए एक ऐसी खबर थी जिससे सदमे की लहर दौड़ पड़ी। इस वक्त यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, थोड़ी देर में यहाँ से उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ले जाया जा रहा है जहाँ पर कल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दरअसल सुषमा स्वराज जिन्होंने 7 बार लोकसभा के सदस्य रही, 3 बार विधानसभा के सदस्य रही, पूर्व विदेश मंत्री थी, हालांकि इस साल लोकसभा के चुनाव में वो खुद को उन्होंने पीछे कर लिया था और 1975 से लेकर के 77 के बीच में जेपी मूवमेंट में वो शामिल रही और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने सक्रिय राजनीति में शुरुआत की, पहले विधानसभा जो कि हरियाणा से अपने करियर की सियासी करियर की शुरुआत की और फिर 7 बार की लोकसभा सांसद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, पूर्व विदेश मंत्री थी, मगर यहां से आज डॉक्टरों ने जो खबर दी उनके परिवार के साथ साथ पूरी दिल्ली पूरे देश के लिए एक बड़े सदमे और क्षति की खबर रही। कैमरा पर्सन अरशद के साथ जबार खान, R9 TV।